चलो भाई विशाल, अरे मैं नहीं जा रहा यार, तुम दिल्ली से मुझे यहाँ लिया, दिल्ली में ग्राउंड कम है क्या? अरे भाई सुनो तो सही, जो 12,000 में यहाँ मिल रहा हूँ कहीं नहीं मिल रहा। अरे यार ऐसा क्या मिल रहा है 12,000 में? तो भाई सुन लो, अब रहना खाना, हफ्ते में 2 मैचेस और फुल डे प्रैक्टिस, जो की कहीं नहीं मिलती। अरे सुन भाई, पागल समझा है क्या? नहीं मान रहा, आप पूछवाता हूँ फिर। चल चल यार। हाय सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सर कैसे हो? ऑल गुड सर। ये विशाल मान नहीं रहा कि आप यहाँ पे 12,000 में इतनी सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करवा रहे हो। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं विशाल। अच्छा गौतम भाई मुझे पूछने दो। पूछ लो भाई। सो गाइस अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आप इनको तो जानते ही हैं, देव सर रील्स में भाई जो कैप जयपुर और अकेडमी चलती है ना, पठानस की अकेडमी, तो सारे रील्स के पीछे भैया का ही हाथ होता है। तो अभी बारी है, आप थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए। ये मेरे पार्टनर है कैप पुणे में, करण गुंदली। तो मेरे पहले क्वेश्चन की बारी है भाई, आप राजस्थान में इतना अच्छा क्रिकेट बच्चों को खिला रहे हो, इतना नाम है, इतने सारे लड़के भी इस बार निकले, आगे बताएंगे। और एक बात अभी बता दूं स्टार्टिंग में भाई, गिफ्ट भी होने वाला है जो मैंने बात की है, और जो बैट्समैन है मेरा भाई, मज़ा आने वाला, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो क्या आपका मोटिव रहता है बच्चों को खिलाने का, और इतनी सक्सेसफुल अकेडमी आप चला रहे हो वहाँ पे, अभी पुणे में आपको धूम मचाने आए हो दोनों, तो क्या मोटिव है और क्या करने वाले हो बाप? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ये अकेडमी जिसमें हम खड़े हैं अभी, ये पुणे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अकेडमी है और सबसे बड़े ग्राउंड और फैसिलिटीज़ के साथ हम इसको लेके आए हैं। और जयपुर में जैसा आपने बताया, अभी रिसेंटली हमारे 3-4 दिन में ही 5-6 सिलेक्शंस हमारे स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं लड़के, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सिमिलरली हम यहाँ पुणे में भी वैसी ही टेक्नोलॉजी, कोचेस और फैसिलिटीज़ के साथ हम इस एकेडमी को आगे बढ़ाएंगे। और फुल डे प्रैक्टिस यहाँ पे मिलेगी आपको, मैचेस वीकली 2 मैचेस मिलेंगे, खाने रहने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। और मास्टर क्लास इरफान और यूसुफ पठान की एकेडमी है जो महाराष्ट्र में पुणे के अंदर है। पहले ये हड़पसर में थी, अभी हमने इसको मूव करके एक ग्राउंड के साथ इसको एसोसिएट किया है वाघोली में। और इरफान और यूसुफ पठान अभी आते हैं इस एकेडमी में ट्रेनिंग देने के लिए, जैसा आपने पहले भी देखा हुआ है वीडियोस में, आपने खुद ने उनका इंटरव्यू लिया है। और उनकी मास्टर क्लास से काफ़ी कुछ बच्चों को फ्री में भी सीखने मिलता है, हमारे पेजेस पे हम उनकी वीडियोस भी डालते हैं। तो सिमिलरली अभी आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम इरफान सर या यूसुफ सर जो भी फ्री होंगे उनको हम यहाँ लेके आएंगे, उनकी मास्टर क्लास कराई जाएगी बच्चों के साथ। तो सबसे पहले अगर यहाँ कोई भी प्लेयर्स आते हैं तो फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाली है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बिल्कुल, देखिए हम मात्र 12,000 में फुल डे प्रैक्टिस बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। मतलब बच्चा जितना चाहे उतना ग्राउंड के अंदर खेल सकता है, नेट्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है। 3 सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि नॉर्मली एकेडमीज़ में वीकली 3 दिन ही ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ 6 डेज ट्रेनिंग है, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। और डेली 6 से 7 घंटे हम प्रैक्टिस कराते हैं कोचेस के साथ, जो सर्टिफाइड NIS और BCCI से सर्टिफाइड कोचेस हैं उनके साथ। जैसे सुबह 6 से 8 का हमारा सेशन होता है, उसमें फिटनेस कराई जाती है, ड्रिल्स कराई जाती हैं। फिर हमारा 9 से 11 का एक अलग सेशन होता है जिसमें हम स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे शैडो प्रैक्टिसेस हो गई, बॉलर्स अपनी बॉलिंग की शैडो प्रैक्टिस करते हैं, बैट्समैन अपने बैटिंग के ड्रिल्स करते हैं। और शाम में हमारा नेट प्रैक्टिस होता है 4 से 6 में, जिसमें ओपन नेट्स और नेट्स में कोचेस लेके जाते हैं बच्चों को और उनकी वो ट्रेनिंग कराई जाती है शाम में। और ये हफ्ते में 6 दिन कंटिन्यू चलता है डेली, क्योंकि एक खिलाड़ी बनना इतना ईजी नहीं होता जितना दिखता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत परिश्रम की ज़रूरत होती है। और उसमें एक फुल डे प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, एक हॉस्टल सुविधा जिसमें वो रहे, उसका डिसिप्लिन, टाइम से उठना, टाइम से प्रैक्टिस में जाना, और कोचेस के साथ रह के वो डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। आप जानते ही हैं कि कितना आजकल कंपटीशन कितना कठिन है, एक से एक खिलाड़ी आते जा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस ज़्यादा मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ा वो रहता है ना, साउथ के बहुत भाई पूछते हैं हमें, देखते हैं कि भैया हम कैसे आएँ राजस्थान, कैसे नॉर्थ में आए, तो उनके लिए भी बेटर ऑप्शन होगा कि आप यहाँ आ जाएँ, ज़्यादा दूर नहीं है। और एक बात आती है अब ग्राउंड की, कि ग्राउंड की हमारी बाउंड्री कितनी होने वाली है और हमारे नेट्स कितने होने वाले हैं, ट्रफ विकेट कितने हैं, तो वो सब आप बताओ कि कितना मिलने वाला है प्लेयर्स को, विकेट कितना है, कैसे है। हाँ जी, तो विशाल जी बात ऐसी है कि हमारे पास फ़िलहाल अभी 2 सीमेंट विकेट्स हैं, 2 टॉप विकेट्स हैं और 10 नेट्स का हमने प्रोविज़न करके रखा है। बात आती है बाउंड्री की, वी हैव एन 80 मीटर बाउंड्री, जो आपको कोई भी एकेडमी में देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा बाउंड्री है, ग्राउंड इतना बड़ा है। और आगे जाके इंडोर की भी फैसिलिटी करने वाले हम लोग। आप वेट कर रहे होंगे वेलकम गिफ्ट क्या मिलने वाला है वो अभी आके बताऊंगा। सबसे पहले फीस कैसे कैसे जमा कर सकते हैं, कैसे देनी है और कितनी रहने वाली है और साल की देनी है, कैसे देनी है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। देखिए मात्र 12,000 रुपये फ़ीस है हमारी पर मंथ, जिसमें जैसा फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया, फुल डे प्रैक्टिस, खाना, रहना, एकेडमी, हॉस्टल, मैचेस, टूर्नामेंट्स, लीग्स वगैरह हम सब कराते रहते हैं एक्टिविटीज़। और जयपुर में भी हमारा ग्राउंड है तो यहाँ के बच्चे वहाँ जाके भी मैचेस खेलेंगे और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वहाँ पे मैचेस फ्री में मिलेंगे उनको और वहाँ के बच्चे भी यहाँ आके खेलेंगे तो इनको कंपटीशन का माहौल देखने को मिलेगा। हम दूसरे बड़ी बड़ी टीम्स के साथ भी यहाँ पे कंपटीशंस कराएंगे, टूर्नामेंट्स कराएंगे। तो फीस हमारी मात्र, एक मिनट के लिए रुकता हूँ, पहले तो जैसे हम मैचेस खेलेंगे वीक में 2 मैच, बताओ तो मैच फीस का क्या चक्कर रहेगा? मैच फीस देयर इज कम्प्लीटली फ्री, देयर इज नो फी फॉर द मैचेस, मैचेस विल बी कम्प्लीटली फ्री। ये मैं बात बताना भूल गया आपको, तो मैचेस हम फ्री कराते हैं क्योंकि हमारा खुद का ये ग्राउंड है। भाई 90% इंडिया में अकेडमी बोल रहा हूँ जो अपने ग्राउंड होने के बावजूद मैच फीस लेते हैं 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसा यहाँ नहीं है तो ये अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 5,000 रुपये पर वन टाइम लाइफ टाइम फीस रहेगा और जो हमारा अकेडमी का फ़ी है वो मात्र 12,000 रुपये है, जिसमें आपको फैसिलिटी सारी मिल रही है। और अगर 1 ईयर का आप एक साथ देते हैं तो उसमें हम 15% लेस करके आप वन शॉट पेमेंट कर सकते हैं। और अब बारी आती है, भाई आप वेट कर रहे होंगे कि क्या आपको मिलने वाला है स्पेशल, तो भैया वो बताओ जो मेरे व्यूवर्स आएंगे 5 लोग, उन्हें आप क्या देने वाले हो? 5 लोग आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके फॉलोअर्स आपको इतना प्यार देते हैं, उनके लिए हम SG का क्रिकेट बैट देंगे जो कि इंग्लिश विलो रहेगा। तो भाई जो भी 5 आएंगे रेडी रहना, वेलकम गिफ्ट आपके लिए तैयार रखा है। और साथ में भी आपको बता दूं भाई, सब कुछ हमें पता चल गया पर आना कैसे, पुणे में किस जगह है, कैसे आएंगे, क्या चक्कर है वो आप बता दीजिए। तो विशाल जी बात ऐसी है कि अगर आप स्टेशन से आ रहे हो, एयरपोर्ट से आ रहे हो या कार से आ रहे हो, आपको बस एक ही जगह पे आना है, वाघोली बस स्टॉप। वाघोली बस स्टॉप पर आकर एवरी 20 मिनट्स में यहाँ से बस जाती है ना, बस है, कैब है, रिक्शा है। बस लेगी आपसे मिनिमम आई थिंक 20 to 50 रुपीज़ सफ़र होगा जो एकेडमी के गेट तक लाके छोड़ेगी। उसके अलावा अगर आप कैब लेते हो, कैब होगा 300 रुपया और रिक्शा भी अराउंड 300-350 रुपीज़ लेगा गेट तक लाकर छोड़ने। तो आपको पता चल गया, बाकी कुछ भी अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो नंबर यहाँ पे आपको शो रहा होगा, आप बेझिझक कॉल करें, आके अभी भी कर सकते हैं, अभी पूछो और यहाँ आने के बाद भी कर सकते हैं। पूरी हेल्प भैया करेंगे, हमारे साथ भी हैं तो पूरा में लग इन रहा है, सच्ची बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अपने घर में है तो ऐसा फील हो रहा है। और जो हमारे नॉर्थ साइड से हैं भाई उनके लिए भी अच्छा है, अपना पूरा गन्ने वन्ने के खेत इधर सब कुछ है। तो कमेंट कर दो कैसा आपको वीडियो लगा और कौन कौन मेरा भाई आने वाला है ये बता दो, और सब कुछ और डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, एड्रेस वेड्रेस सब मैंने डाला हुआ है। मैंने बोला था ना भाई, सच्ची बात है, जैसा बोला था वो सब हमें क्लियर हो चुका है। और आप भी आओ, आप भी क्लियर करो और अच्छी अच्छी बातें यहाँ सीखो और अच्छा क्रिकेटर बनना है तो भाई मजा आएगा। यहाँ पुणे वाले लोग तो आ ही जाओ जो पुणे में रहते हैं। चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर देना, बाय।